तो इधर चाय बना रहे हैं, साथ में इधर आलू बॉइल कर रहे हैं। आलू हम बनाएंगे और कुछ आलू रख देंगे। डोसा बनाने का मन हो रहा है, डोसा के लिए आलू तैयार करेंगे, तो उसी के लिए आलू इकट्ठा ही बॉइल कर लेते हैं। और यहाँ पर एक और काम है, लहसुन भी छीलना है, तो उसको मैंने पानी में भिगो दिया है। इसको भी छीलना है। अभी यहाँ पर चाय बना रहे हैं। वैसे डोसा अभी बनाने के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं। आलू उबला रहेगा तो कोई भी काम हो जाता है, कोई भी नाश्ता बन जाता है। तो इकट्ठा ही कुछ ज़्यादा ही आलू हमने बॉईल कर लिया है। इसके लिए चाय पीते हैं, चाय बिस्किट थोड़ा सा देखते हैं आज क्या रूटीन रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हार्ड गर्मी है। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। आप सभी हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आगे जो भी रूटीन रहेगा हम शेयर करेंगे, आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। एक सब्जी रह गया है, आलू दम बना रहे हैं। तो आलू बॉईल करके इस तरीके से चौकोर पीस में कट करके हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मसाला भून रहे हैं, आलू दम बना रहे हैं आज। तो यहाँ पर देखिए चावल दाल सारा कुछ रेडी हो गया है। तो सब्जी रह गया है, ये भी अब थोड़ी देर में हो जाएगा। मसाला भी भून गया है। आलू को बीच में डालकर एक मिनट भून कर उसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी छोड़ते हैं। और मसाले में अदरक लहसुन जीरा पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च का पाउडर यही सब डाले हैं। अदरक लहसुन को आज कूच कर डाले हैं, उसको ग्रेट करके डाले हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने नहीं डाला है। बहुत ही कम तेल में मैंने इसे बनाया है, इसे किसी को परेशानी ना हो। बहुत ही कम तेल में बनाया हमने। इतना ग्रेवी रखेंगे क्योंकि सबको ग्रेवी पसंद है। तो चलिए इसे उतारते हैं। अभी काफ़ी धूप है, पौधों में पानी लगाते हैं। निखिल का तबीयत खराब है,
और ये पौधा अचानक कैसे सूख गया पता नहीं, इतना सारा पत्ता गिरा हुआ है। पता नहीं ऐसे ही पत्ता निकल रहा है कि पौधा ख़त्म हो गया है, मालूम नहीं, ऐसे झुका हुआ है। सूखा हुआ पत्ता निकाल देते हैं, देखिए कितना कचरा हो गया है, पत्ता गिरकर इधर इधर भरा हुआ है। तो शाम का यही रूटीन रहता है पौधों में पानी डालने का, सारे कपड़े वगैरह तो उठा ली, बस पानी डालते हैं फिर नहाएंगे, पानी डालने में पूरा हालत ख़राब हो जाता है, पूरा भीग जाते हैं, नहा लेते हैं तो दोबारा नहाना ही पड़ता है। चलते हैं और लेते हैं पानी। अब बस सनसेट होने वाला है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था तो मैंने कैप्चर किया है। तो निखिल के लिए थोड़ा सा चावल बैठा देते हैं, निखिल रोटी नहीं खाएगा, पेट उसका थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। बस वही खाएगा थोड़ा सा मार भात। अच्छे से धोकर बैठाते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी डालने से अच्छे से साफ हो जाएगा। चावल डाल दिया, चावल को इधर मिक्स कर दिया और एक तरफ बैठा देते हैं। दूध भी गर्म हो जाएगा। रोटी बन गया है, एक तरफ चावल मैंने चढ़ा दिया है और आज कोई भी सब्जी नहीं बनाएंगे, सभी को आराम मिल गया है। आज 17 दिन हो गया सब्जी नहीं है घर में, आलू प्याज ही है सिर्फ, और कुछ ना कुछ मैं अपना आइडिया लगाकर बना रही हूँ आलू का ही, मतलब आलू सोयाबीन, आलू उड़द की बड़ी, आलू दम, आलू का चोखा, आलू का भुजिया, अपने गार्डन से सब्जी लेकर बना रही हूँ, जो भी है लेकर अपना बना रही हूँ कि कैसे भी करके गुजारा हो जाए एक दो दिन। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर 17-10 दिन हो गया, लेकिन लग रहा है सभी को कि हो तो जा रहा है काम, तो आज कोई भी सब्जी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं किसको कैसे खाना है, क्योंकि सिर्फ आलू है, रोज़ रोज़ आलू का भुजिया तो बनेगा नहीं, आलू का सब्जी कुछ बना देंगे तो कोई खाएगा नहीं। सुबह ही सब्जी बनाए थे आलू दम मसालेदार सब्जी, तो वही बात है, अभी चना मटर भी घर में नहीं है, तो जो भी था इतना दिन तो चला है अब नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते हैं किसको क्या खाना है, अपना बाहर से जो है मिठाई वगैरह छेना वगैरह लाकर खाएंगे। मेरा कोई डिमांड नहीं है, मेरा कोई नखरा नहीं है, जो भी रहता है, कुछ नहीं भी रहेगा तो नमक तेल के साथ मैं रोटी खा लूँगी, चाय के साथ रोटी खा लूँगी, मेरा ऐसा है, मेरा कोई भी नखरा नहीं है खाने पीने में, अच्छा से अच्छा खाना पसंद करती हूँ, और कुछ नहीं भी रहे तो नमक रोटी भी खा लूँगी, मेरे में ऐसा गुण है, मेरा कोई नखरा नहीं है, मैं चोखा रोटी भी खा सकती हूँ, मेरा कोई नखरा नहीं है खाने में, बच्चों का बहुत ज़्यादा ही नखरा रहता है खाने में। तो एक तरफ दूध एक तरफ चावल मैंने बैठा दिया है, दोनों हो जाता है, कुछ बर्तन है, बर्तन वगैरह धो करके चलती हूँ खाना खा लेती हूँ, और खाना खाकर देखती हूँ किसको कैसे क्या खाना है। निखिल तो मार भात खाएगा, वह तो वैसे भी सब्जी नहीं खाता है, तो निखिल को खाना दूँगी और फिर जिसको खाना रहेगा अपना टाइम से खाएगा। इधर चावल उबल गया दूध से, इसको थोड़ा सा मैंने हल्का कर दिया, खोल दिया है, देखिए गर्मी गर्मी का मत पूछे। तो अभी 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी नल का पानी आ जाता है, आज का बस यही रूटीन है, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी आप सभी से कल एक नए ब्लॉग के साथ। आप सभी अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय।